अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप सभी को अर्दलुल काज़ी सीज़न 5 का दूसरा एपिसोड बताऊंगा। दोस्तों, अब यहाँ पर हफ्सा हातून और हाइमा हातून को बताया जाता है जो कबीले के दूसरे ख़वातीन के साथ खाना बना रही होती है। हाइमा हातून अब सब ख़वातीन को खाली बुलाकर कहती है कि आज रात जिरगा है, हमें खाना जल्द से जल्द तैयार करना है। वो सब ख़वातीन को जल्द काम करने को कहती हैं तो हफ्सा हातून कहती हैं कि वालिदा आप फ़िक्र मत करें, मैं लोगों के साथ हाथ बटाऊंगी और ये सब आज रात तक तैयार करूंगी। हाइमा हातून हफ्सा को ठीक है कहकर दुआ देती हैं। दोस्तों, अब यहाँ बंसी के बेटा बेटी आते हैं और हाइमा हातून से कहते हैं कि दादी, हमने कुएं से बर्फ़ जैसा ठंडा पानी लाए हैं, क्या आप पियेंगी? तो हाइमा हातून उन्हें दुआ देती हैं और पानी पीती हैं। बंसी का बेटा अपनी माँ हफ्सा हातून से पूछता है कि क्या आप भी पानी पियेंगी? तो वो कहती है, मुझे नहीं चाहिए, तुम दूसरी ख़वातीन को पानी पिलाओ। हाइमा हातून हफ्सा की बेटी से कहती है कि तुम अपनी माँ की तरह बासलाहियत होगी, और फिर वो वहाँ से चले जाती हैं। दोस्तों, अब यहाँ अर्तुरुल सरदार सोगुत बाज़ार में बड़े शान से जाते हैं जिन्हें उन्होंने फतह किया था। वहाँ के सारे लोग अर्तुरुल सरदार को खुशी से खुशामदीद कहते हैं। अर्तुरुल सरदार सबको शुक्रिया कहते हैं। अब यहाँ अर्तुरुल सरदार के सामने ड्रैगस होता है, वो अर्तुरुल सरदार को खुशामदीद कहता है तो अर्तुरुल उससे शुक्रिया कहते हैं। तुर्गुत उससे कहते हैं कि जब तुम घंटी बजाते हो तो हम कबीले से सुन सकते हैं। ड्रैगस कहता है कि ये सब अर्तुरुल सरदार की वजह से है तुर्गुत साहब, अगर इन्होंने हमारे चर्च की मरम्मत नहीं की होती और हमारे घंटी को नया किया नहीं होता तो ईसाई ये वक्त क्या कर रहे होते। अर्तुरुल सरदार उसे बोलते हैं कि मैंने अपना फ़र्ज अदा किया, तुम भी अपना फ़र्ज निभाओ। ड्रैगन अर्तुरुल को शुक्रिया कहता है। अर्तुरुल सरदार उसे पूछते हैं कि तुम बात करते वक्त मेरा चेहरा क्यों नहीं देखते? वो कहता है कि हमें सिखाया गया है कि बात करते वक्त अपने मालिक का चेहरा ना देखें। अर्तुरुल सरदार उसे कहते हैं कि कोई भी किसी का मालिक नहीं है, ये बात सीख लो। तो ड्रैगस कहता है कि अल्लाह आपकी हिफाजत करे अर्तुरुल सरदार। अर्तुरुल शुक्रिया कहकर वहाँ से जाने वाले होते हैं कि वो पूछता है कि उस्मान अब कैसे हैं? उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई और एक ख़ानदान को मरने से बचा लिया। तो अर्तुरुल साहब बोलते हैं कि उस्मान और वो ख़ानदान अब ठीक है, लेकिन तुम्हें उस्मान के बारे में कैसे मालूम? वो कहता है कि जो कुछ हुआ उस पर सोगुत में हर कोई गमजदा है, लाना तो उन डाकुओं पर जो एक बच्चे से क्या चाहते थे। फिर अब यहाँ एक सिपाही आता है और अर्तुरुल सरदार पूछते हैं कि क्या हुआ? तो वो कहता है कि मुझे पता चल गया है कि सूद लेने वाले कौन थे। तो अर्तुरुल सिपाही से पूछते हैं कि कौन है वो। सिपाही कहता है कि वो बाज़ार के 3 ताजिर है सरदार। अर्तुरुल सरदार कहते हैं कि तो जो आदमी हमारे साथ है वो हमारे कानून के तजावुज़ करता है। फिर अर्तुरुल सरदार वहाँ से अपने सिपाहियों के साथ चले जाते हैं। ड्रैगन उनके जाने के बाद कहता है कि तुमने अभी उस सांप का जहर चखा ही नहीं जिसे तुम दूध पिलाते हो अर्तुरुल सरदार, और फिर वो भी वहाँ से चले जाता है। दोस्तों, अब यहाँ इल्मिजा हातून को बताया जाता है, वो बाज़ार में ही होती हैं। वो एक ताजिर से कहती हैं कि मैंने रास्ते में कई बाज़ार देखे लेकिन इस जैसा बाज़ार लोगों से भरा हुआ नहीं देखा, ये किसकी बरकत है माशाल्लाह, क्या ये बाज़ार हमेशा ऐसे ही होता है? तो वो ताजिर कहता है, ये बाज़ार हमेशा ऐसे ही होता है, ताजिर और कारवानसार जगह से आते हैं। तो इल्मिजा हातून कहती हैं कि क्या इस बाज़ार का अमीर होने का कोई राज है जो कि दूसरों को तकलीफ़ होती है? तो वो ताजिर कहता है कि इसका वाहिद राज अर्तुरुल सरदार का इंसाफ है, वो किसी के भी साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। अब अर्तुरुल सरदार बाज़ार में आते हैं और देखते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी को पैसे दे रहा है, और वो आदमी उस ताजिर से कहता है कि तुम अब इसे 1 महीने बाद इसके सूद के साथ वापस कर देना। अर्तुरुल सरदार उस आदमी के पास जाते हैं और वो पैसे का बैग लेकर उसे पूछते हैं कि इस बैग में क्या है। वो गुस्से से दोबारा ताजिर से पूछते हैं कि ये बैग में क्या है। तो वो ताजिर कहता है कि वो सोना है सरदार, मैंने सूद खोर से कर्जा लिया है, इन्होंने हमें सूद पर कर्जे का मोहताज बना दिया। अर्तुरुल सरदार गुस्से से देखते हैं और उस सूद खोर को मारते हैं, फिर उसका सोना उसके मुँह पर डालते हैं। अब यहाँ पर इल्मिजा हातून भी आ जाती हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आप सभी को अर्तुरुल काज़ी
सरदार उस आदमी से पूछते हैं कि तुमने कितने ताजर और दियातियों को कर्जा दिया है। तो वो सूट खोर बोलता है कि हम इनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसे दे रहे हैं। और तो सरदार उसको मारते हैं। तो वो सूद खोर का दूसरा आदमी कहता है कि हम बस अपना कारोबार कर रहे हैं सरदार, ये ठीक नहीं है जो आप कर रहे हैं। तो अर्तुरुल सरदार उसे भी गुस्से से मारते हैं। तो पीछे से दूसरा आदमी कहता है कि हमने कभी भी किसी को पैसे उधार लेने पर मजबूर नहीं किया है। वो खुद आते हैं और पैसे मांगते हैं। और फिर अर्तुरुल सरदार उस आदमी को भी मारते हैं। अर्तुरुल सरदार उसे गुस्सा करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर उंदूस की एंट्री होती है। सूदखोर अर्तुरुल सरदार से कहता है कि क्या आप नहीं देखते कि मंगोल की वजह से तिजारत कैसे हुई, खेतों और बाज़ारों में कारोबार रुक गया है, हर कोई खर्चे में है, हम बस अच्छा कर रहे हैं। अर्तुरुल सरदार फिर उसे गुस्से से मारते हैं और गुस्सा करते हैं। और फिर दूसरा आदमी से पूछते हैं कि तुम इन लोगों का खून खुश करने के लिए तमाम सोना कहाँ से लिया। तो वो सूदखोर बोलता है कि आप इन सब में मत पढ़ें वरना आप इससे नहीं निकल सकते। दूसरा आदमी कहता है कि ये आपके कबीले और खैमों तक पहुंचता है। तो तुर्गुत गुस्से से उसे मारने के लिए आते हैं। तो अर्तुरुल सरदार तुर्गुत को रोक लेते हैं। पीछे ठहरा ड्रैगस का आदमी ड्रैगस को बोलता है कि जैसा हम चाहते थे वैसा ही हो रहा है, अब अर्तुरुल हर एक में बदनाम हो जाएगा। तो ड्रैगस बोलता है कि ये अभी तो बस शुरुआत है, वो अपने खून ही में डूब जाएंगे। अर्तुरुल सरदार वो आदमी से पूछता है कि मुझे बताओ वो कौन है। वो आदमी कहता है कि वो आपका बेटा गुंदू सरदार है। ये सुनकर अर्तुरुल और सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सब बातें बुलाना शुरू कर देते हैं। अर्तुरुल सरदार हैरान और गुस्से से गुंदूस की तरफ देखते हैं। और फिर वहां से चले जाते हैं। दोस्तों अब यहाँ औताक में अर्तुरुल सरदार, तुर्गुत, बमसी और अर्तुक साहब और गुंदूस को बताया जाता है। यहाँ अर्तुरुल सरदार गुस्से से गुंदूस से पूछते हैं कि क्या तुम नहीं जानते जिस आदमियों के साथ तुम कारोबार कर रहे हो वो सूदखोर है। तो गुंदूस कहते हैं कि बाबा मैंने सोना दिया, मैंने किया क्योंकि मैं कारोबार करना चाहता था और पैसे कमाना चाहता था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि वो सूद की मश्क कर रहे हैं। तो अर्तुरुल सरदार गुस्से से सबको देखते हैं और गुंदूस को बोलते हैं कि तुमने अपना सोना उन बदमाशों को कारोबार करने के लिए दिया और फिर उन लोगों ने ये ताजिरों को सूद पर दिया और पैसा कमाने के लिए, तुम नहीं जानते ये कमाई हराम है। गुंदूस बोलते हैं कि मेरा यकीन करें मुझे नहीं मालूम था वो लोग सूदखोर हैं। तो अर्तुरुल सरदार कहते हैं कि तुम कैसे ये नहीं जान सकते गुंदूस, फिर ये गुस्सा करते हैं, फिर गुस्से से पूछते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम अपनी कमाई कैसे हासिल कर सकते हो बगैर ये जाने कि वो हराम है या हलाल। गुंदूस कुछ बोलने ही वाला होता है कि अर्तुरुल उसे थप्पड़ मारते हैं और गुंदूस को बोलते हैं कि मुझे तुम कभी बाबा मत बोलो और निकल जाओ यहाँ से। और फिर गुंदूस वहाँ से चले जाते हैं। सभी बहुत मायूस होकर ठहरे हुए रहते हैं कि तभी तुर्गुत बोलते हैं कि गुंदूस अभी जवान है सरदार, उन्हें नहीं मालूम था कि वो लोग जिसे वो पैसे दे रहे हैं वो सूदखोर हैं। फिर बमसी कहते हैं कि हाँ सरदार, गुंदूस शेर की तरह एक बहादुर आदमी है, वो एक अच्छा जंगजू है। तो अर्तुरुल सरदार कहते हैं कि मेरा बेटा दुश्मनों को देख कर बड़ा हुआ है, हर किस्म के धोखे देखे। दोनों उस्मान और सावजी जानते हैं कि मैदान जंग में दुश्मन गंदी चालें चलेंगे, तो फिर कैसे गुंदूस मेरा बेटा ये नहीं जान सकता। मैंने 10 सालों में मंगोलों के अस्तवजात और जुम्म के बावजूद सोगुत खानदान को जिंदा किया, मैंने इनकी हिफाजत की, इनका ख्याल रखा। मैं समझता हूँ कि दुश्मन उन पर अंदर से हमला कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने ऐसे बेटे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अर्तुक साहब कहते हैं कि सरदार वो 3 सोद लेने वालों कारोबार नहीं करेंगे। तो अर्तुक सरदार गुस्से से अर्तुक साहब को कहते हैं कि आप होश में तो हैं कहकर खामोश बैठ जाते हैं। अर्तुल सरदार उन ताजरों का पता लगाने को कहते हैं जो सूद लेकर अभी तक बैठे हुए हैं। बमसी कहते हैं कि आप पहले ही अपना सब कुछ दे रहे हैं। अर्तुल सरदार बमसी से कहते हैं कि हमारे पास इस दुनिया में क्या है बमसी, हमारी तलवार और हमारा ईमान और मेरा कफन जो मैं बिस्तर के नीचे रख कर सोता हूँ।
अब यहाँ गुंदुस गुस्से से कबीले के बाहर चले जाते हैं। हामा हातून गुंदुस को देख कर खुद से कहती है कि ये कहाँ जा रहा है, वो भी इतने गुस्से में। यहाँ औताक में बमजी बोलते हैं कि हमने वो जगह तलाश कर ली थी लेकिन किसी ने वहाँ से लाशें हटा दी जहाँ एलबीजे हातून छोड़कर आई थी। अर्तुरुल सरदार कहते हैं कि इसका मतलब वो अकेले नहीं थे। बमजी कहते हैं कि ये एक मखसूस सूरत हाल है। अर्तुरुल सरदार कहते हैं कि सोगुद और यूनानी गांव में इस सूरत हाल की पीरवी करते रहो या ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत होगी।